साहिवाल पाकिस्तान पंजाब का एक बहुत खूबसूरत और मेरे दिल के इंतहाई करीब शहर। वेलकम टू सोनिक पीके टीवी ट्रैवल विद दानियाल के एपिसोड नंबर 5 में पंजाब के एक बहुत खूबसूरत शहर साहिवाल में आपके साथ। मैंने आज प्रोग्राम के स्टार्ट में एक लफ्ज़ बोला कि शहर साहिवाल मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी रीज़न मेरे नाना अबू मेरी नानी अम्मा की कब्रें यहाँ पर हैं। मेरे नाना अबू सैयद अनवर हुसैन तिरमज़ी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेलवे से रहा, एक बहुत खूबसूरत शख्सियत। मेरी उम्र 7 बरस थी जब 1998 में मेरे नाना अबू की वफ़ात हुई। आ सकी तेरी जुदाई ना कभी रास मुझे, आ सकी तेरी जुदाई ना कभी रास मुझे, तुझसे बिछड़ा आपने मर्दों के तंदूर तो बहुत सुने होंगे, लेकिन ये साहिवाल का मशहूर तंदूर जिसे पिछले 40 साल से एक ही फैमिली की होती है, मदर ग्रैंड मदर और अब ये दो बहनें चला। मेरी इनसे बात हुई, इन बहन का कहना था कि इनकी जो दूसरी बहन वो कुछ अर्सा पहले इनसे सेपरेट हो गई है और अब ये अकेला इस तंदूर को चला रही है। जाते जाते इन्होंने अपने तंदूर की स्पेशल रोटी भी। साहिवाल रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि स्टेशन का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप साहिवाल में रहते हैं या साहिवाल में आए तो टेरेस गार्डन रेस्टोरेंट के बाद अगर कुछ सेकंड नंबर पर मैं आपको प्रेफर करूंगा तो यहाँ का मशहूर बुलबुल की कढ़ाई। बुलबुल की कढ़ाई साहिवाल में एक बंदा है बुलबुल, वो कढ़ाई बनाता है बहुत शानदार। वो जो कढ़ाई की ट्रेडिशन खत्म होती जा रही है, मैं समझता हूँ वो जो आखिरी चश्मो चिराग है वो बुलबुल। मैंने तो बुलबुल की कढ़ाई के टेस्ट को बड़ा एंजॉय किया। आप भी अगर कभी आए तो ज़रूर ट्राई कीजिए बुलबुल की कढ़ाई।